अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा शाओमी के मिमिक्स 3 के बारे में, क्योंकि फोन लॉन्च हो चुका है चाइना में और हो सकता है कि बहुत ही जल्दी ग्लोबली भी लॉन्च होगा, हो सकता है कि इंडिया में भी लॉन्च हो जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा हिंट दे दिया है ग्लोबली लॉन्च के बारे में। उन्होंने लॉन्च इवेंट में कह दिया कि इसे हम लोग और भी ज्यादा रीजन में लाने वाले हैं, लेकिन कब आएगा इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि दिसंबर के महीने तक आपको शाओमी के मिमिक्स 3 ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों इसके लॉन्च से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये फोन कैसा है, क्या आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था इसके कुछ लीक्स के बारे में, इसके कुछ रूमर्स के बारे में। तो वो जो वीडियो है दोस्तों, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे बताई थी जो कि सही हो गई है, लेकिन दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो कि सही नहीं हुई है। तो क्या क्या चीजें सही नहीं हुई, तो जैसे कि इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है और इसमें हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर नहीं मिलता है, जो कि अभी लॉन्च भी नहीं हुई है। तो सबको ये आशा लगाए हुए थे कि हो सकता है कि शाओमी के मिमिक्स 3 के साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 जो है डिबट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, फिर भी जो स्मार्टफोन है बहुत ही अच्छा है और अपने प्राइस टैग में एक बहुत ही बड़ा बीस्ट है दोस्तों। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, बहुत ही जबरदस्त स्मार्टफोन है, डिजाइन स्पेशल हार्डवेयर सब कुछ बहुत ही अच्छा है। तो देर किस बात की, चलिए जानते लेते हैं आखिर इसमें हमें क्या कुछ मिलता है। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। तो दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें इसके हार्डवेयर के बारे में, तो इसका जो स्क्रीन है वो आता है 6.39 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला स्क्रीन, और ये जो स्क्रीन है 19.5:9 रेशियो के साथ आता है। इसका जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो है दोस्तों 60:1 का। इसका जो ब्राइटनेस है दोस्तों वो है 600 निट्स का। ये बहुत ही अच्छा लुकिंग डिस्प्ले है। लेकिन यही बात नहीं दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले है वो ऑलवेज ऑन एमोलेड डिस्प्ले है, तो जो ऑलवेज ऑन है दोस्तों वो हमेशा ऑन रहेगा और उसमें आप हमेशा टाइम वगैरह देख पाएंगे बिल्कुल सैमसंग की तरह। बहुत ही अच्छी चीज है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर ले इसके पूरे के पूरे बॉडी के बारे में, तो इसका जो बॉडी है वो पूरा का पूरा सेरेमिक से बना हुआ है और फ्रंट में दोस्तों आपको गोरिल्ला ग्लास वगैरह मिल जाएगा जब ये दोस्तों ग्लोबली लॉन्च होगा। लेकिन अभी फिलहाल नहीं बताया गया कि कौन सा ग्लास का इस्तेमाल किया गया, तो हो सकता है कि जब ग्लोबली लॉन्च करेंगे तभी जाकर उसमें जो है गोरिल्ला ग्लास 5 वगैरह डालेंगे। तो यहाँ पूरा का पूरा जो बैक है वो सेरेमिक का मिल जाता है, जो कि 40 कप ग्लास है और देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, और इसमें मेटेलिक फ्रेम मिल जाता है। तो बहुत ही स्टर्डी डिवाइस जो है बनाया गया। लेकिन ये जो बॉडी है दोस्तों वो स्लाइड करने वाला बॉडी है, जिसमें आप पीछे से स्लाइड करके फ्रंट कैमरा वगैरह निकाल सकते हैं और कुछ फ्लैश वगैरह जो है निकाल सकते हैं उसमें। लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर हम बात करें इसके हार्डवेयर के बारे में, इसमें क्या कुछ मिल जाता है, तो सबसे पहले तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि अभी तक का सबसे हाई लेवल का प्रोसेसर है। उसके बाद दोस्तों ये चार अलग अलग वेरिएंट में आता है, हालांकि जब ये ग्लोबल लॉन्च होगा तो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएंट में आए, लेकिन अभी फिलहाल ये 4 वेरिएंट में आता है। जो सबसे पहला वेरिएंट है दोस्तों वो आता है 33,000 रुपए में, वो है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। उसके बाद दूसरा वेरिएंट है दोस्तों 36,000 रुपए में, वो आता है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। और जो तीसरा वेरिएंट है दोस्तों वो आता है 40,000 रुपए में, जो कि आता है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। उसके बाद दोस्तों जो चौथा वेरिएंट है वो बिल्कुल चाइना के लिए स्पेशल है, जो कि है पैलेस एडिशन, और वो वाला जो वेरिएंट है दोस्तों आता है 50,000 रुपए में, लेकिन वो है 10GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ। हालांकि वो जो है थोड़ा सा डिफरेंट लगता है देखने में और थोड़ा सा ज्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। लेकिन अगर बात कर ले कि इसकी कैमरा कैसा है, यहाँ पर जो बैक मिलता है वो 12MP प्लस 12MP का कैमरा मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है दोस्तों वो 12MP का सोनी का कैमरा मिल जाता है, और जो सेकेंडरी सेंसर है वो सैमसंग का कैमरा मिल जाता है, जो कि एक टेलीफोटो लेंस है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप 2x जूम कर पाएंगे। उसके बाद जो ये कैमरा है दोस्तों वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छे से फोटोग्राफी आता है, और उन्होंने DxO मार्क भी दिखाया, उन्होंने कहा कि 103 का DxO स्कोर है। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा कैमरा देखने में हो जाएगा। उसके बाद अगर बात कर ले फ्रंट कैमरा के बारे में, तो जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों वो आता है 24+2MP का। जो 24MP का कैमरा है वो तो लाजवाब है ही, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों इसका जो 2MP कैमरा है वो डेप्थ ऑफ फील्ड सेंसर है, यानी कि आपका जो है डेप्थ में बताएगा कि कितना ज्यादा जो है आपका जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है दोनों साइड आपको फ्लैश मिल जाते हैं, यानी कि फ्रंट में भी बैक में भी आपको फ्लैश मिल जाता है। तो स्लाइड करके आपको सिर्फ कैमरा नहीं, ईयरपीस के साथ साथ आपको जो है फ्लैश भी मिलेगा और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी उसी में दिया गया है। अगर उसके बाद बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे कैमरा में आपको EIS OIS दोनों ही मिल जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों 4K 60fps का भी सपोर्ट मिल जाता है। यही भी दोस्तों इसके कैमरा में 960fps का स्लो मोशन सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है शाओमी के लिए, मैं ऐसा मानता हूं। उसके बाद अगर बात कर ले किसी और चीज के बारे में, जैसे कि दोस्तों इसके सॉफ्टवेयर के बारे में, यह था एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पे, लेकिन एंड्रॉइड 9 यानी कि दोस्तों एंड्रॉइड पाई का अपडेट जो है बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको MIUI 10 रन करता है, और ये जो MIUI 10 है आप जानते हैं मैं इसके ऊपर हमेशा वीडियो बनाते रहता हूं। तो अगर आपको नहीं पता है MIUI 10 के टिप्स ट्रिक्स फीचर के बारे में, तो आपको यहां पे कार्ड पे लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके साउंड के बारे में भी कुछ बातें कहा गया कि इसका जो साउंड स्टीरियो स्पीकर है और वो काफी ज्यादा लाउड और वो काफी अच्छा ऐसा कहा गया है। लेकिन देखिए क्या होता है, क्योंकि उन्होंने साउंड के लिए एक अलग ही मोड इसमें दिया है, और वो जो अलग मोड है दोस्तों हो सकता है कि बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उसमें कह रहे हैं कि 5-6 अलग अलग मोड दिया हमने साउंड के लिए, जो कि इसको स्पीकर को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाती है। उसके बाद दोस्तों इसमें हमें 3.5mm ऑडियो जैक नहीं मिलता है, जो कि एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि दोस्तों 3.5mm ऑडियो जैक होना चाहिए, लेकिन आजकल बहुत बहुत ब्रांड जो है वो 3.5mm ऑडियो जैक को रिप्लेस कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो बैटरी है वो अभी
मेंशन नहीं किया गया कि कितने एमएच की बैटरी है। अब हो सकता है शाओमी जो है छुपा रहा होगा कि इसमें कितने एमएच की बैटरी है, क्योंकि हो सकता है कि जैसे कि आईफोन ने छुपाया था अपने बैटरी को क्योंकि उनकी बैटरी बहुत ही कम थी, उसी तरह से हो सकता है कि शाओमी भी छुपा रहा होगा बैटरी का क्योंकि उनकी भी बैटरी कम होगी। तो हो सकता है 3400 एमएच की या फिर 3800 एमएच की बैटरी होगी, लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा आने वाले दिनों में आखिर कितने एमएच की बैटरी होती है। तो ये सब पूरा का पूरा जो है टेक्निकल डिटेल्स है कि इसमें हमें क्या कुछ मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ बात कर ले कि इसकी खासियत क्या, तो दोस्तों सबसे बड़ी खासियत है इसका स्लाइडर स्क्रीन और इसका डिस्प्ले जो कि है दोस्तों कॉन्ट्रास्ट रेशियो 93.4% का। जी हाँ दोस्तों, अब तो 93% का जो है कॉन्ट्रास्ट रेशियो, अब तो 93% का जो है डिस्प्ले रेशियो मिल जाता है और ये जो रेशियो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा बिजनेस लगता है देखने में। तो बिजनेस के लिए आप ये फोन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप पूछेंगे कि प्राइस को जस्टिफाई करता है, बिल्कुल दोस्तों, स्नैपड्रैगन 845 के साथ आपको मी 8 भी आता था जो कि लगभग सेम ही प्राइस में आता था 33,000, 36,000, 40,000 में, और आपको इसमें जो है ऑप्शन मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि दोस्तों आप चाहे तो 8GB 256GB भी ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो दोस्तों 6GB 128GB भी ले सकते हैं। तो सबसे बेस्ट वेरियंट और जो सबसे टॉप वेरियंट है वो बहुत ही जबरदस्त है। तो अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो मैं कहूंगा बेस वेरियंट 6128 या फिर टॉप वेरियंट 8256 ये बहुत ही अच्छा होगा। हालांकि उससे भी टॉप है जो कि 10GB रैम के साथ आता है वो आता है दोस्तों 256GB स्टोरेज के साथ, लेकिन वो 50,000 में जो कि थोड़ा सा ज्यादा मुझे ओवर प्राइस लगा, तो उसे इंडिया में लॉन्च नहीं करना चाहिए। 10GB रैम को कोई सफिशिएंसी नहीं बनता दोस्तों, कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर बात करें क्या इसमें 5G है, तो जी नहीं दोस्तों, अभी फिलहाल इसमें 5G नहीं है क्योंकि शाओमी वाले ऐसा कह रहे हैं कि 2019 में 5G आएगा। तो अगर 2019 में 5G आएगा तो हो सकता है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू आए या फिर हो सकता है कि मिमिक्स 3 का नया एडिशन आए जो कि 5G वर्जन हो और 2019 में हमें वही देखने को मिले। लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी कंफर्म नहीं है कि 5G सॉफ्टवेयर के थ्रू आएगा या फिर वो लोग नया फोन लॉन्च करेंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों ये 10GB रैम वाला पहला स्मार्टफोन है और 5G के साथ 10GB रैम वाला ये पहला स्मार्टफोन है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों ये जो फोन है बहुत ही अच्छा है, देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो अगर ये फोन इंडिया में लॉन्च होता है तो बैंग बैंग कर सकता है अगर इसी प्राइस में लॉन्च हो। दोस्तों मैं शाहरुख आप लोग बताना था आज की इस वीडियो में कि क्या कुछ मिल जाता है शाओमी के मिमिक्स 3 में। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई जो कि बहुत ज्यादा फास्ट वीडियो है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस पे लाइक और कमेंट कीजिए। अरे यार मैं तो माइक को ऑन करना ही भूल गया यार, रिकॉर्डिंग फोन का ही रिकॉर्डिंग डालना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा शाओमी के मिमिक्स 3 के बारे में, क्योंकि ये फोन लॉन्च हो चुका है चाइना में और हो सकता है कि बहुत ही जल्दी ग्लोबली भी इसे लॉन्च किया जाएगा क्योंकि शाओमी ने इसके बारे में हिंट दिया अपने लॉन्च इवेंट में कि ग्लोबली हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो हो सकता है कि इंडिया में भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा।